ईश्वरोपि न ज्ञान सुखात्मा, ईश्वर भी जो है ज्ञान सुखात्मा नहीं है। न ज्ञान सुखात्मा क्यों? क्योंकि हम उसको भी ज्ञान अधिकरण मानना चाहते हैं, किंतु ज्ञानाद्याश्रय हो, क्योंकि ज्ञान का आश्रय है, प्रयत्न का आश्रय है, इच्छा का आश्रय है, ज्ञानाधिकरण आत्मा है। क्यों? उसे क्या प्रमाण है? नित्यम विज्ञानम आनंदम इत्यादो विज्ञान पदे न ज्ञानाश्रय एव उक्त, विज्ञानादि पदों से सत्यम अनंतम ब्रह्म इत्यादियों में भी ज्ञानम विज्ञानम शब्दों से तत्त अधिकरण को ही बता रहे, विज्ञानवान को बता रहे, ज्ञान का आश्रय को बता दिया। यह सर्वज्ञ सर्व इत्यादि अनुरोधात्, क्योंकि उसको क्या कहा? सर्वज्ञ का मैंने सर्वम जानाति यह सा सर्वज्ञ, ज्ञानाधिकरण में ही तो घटेगा, सर्वज्ञ सर्व शब्द ज्ञान अधिकरण तरफ ही ले जाना पड़ता है आपको, अतएव उसके अनुरूप इसको घटाने के लिए इनको भी आप मत्वर्तीय प्रत्यंत मानो। आनंदम इत्यस्यापि आनंदवद् इत्यर्थ, आनंदम शब्द का भी अर्थ आनंदवान, आनंदाधिकरणम सुखाधिकरणम ये अर्थ करना पड़ेगा। कहते कैसे लाओगे मत्व प्रत्यय, वहां तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहते हर्षादित्वात् मत्वर्तीय अच प्रत्यत्वात्, हर्षसाधिकरण में लेकर के उसे मत्वर्थी अच प्रत्यय कर दिया जाएगा, अन्यथा पुलिंगत्वापत्ति, नहीं तो पुलिंग होना चाहिए आनंद, आनंदम क्यों हो गया? हर्षादिगण में लेकर अच प्रत्यय करने से आनंदम हुआ है, ये उसका कहना है। आनंद वाला मानो आनंदो भी दुख का भय उपचर्यत है, लेकिन आप तो ईश्वर मानते ही नहीं आनंद को, नित्य इच्छा नित्य प्रयत्न नित्य क्या अंति नहीं मानते आप ईश्वर का गुण, नित्य सुख तो मानते ही नहीं, नहीं विशेष गुण में आठ कैसे सामान्य गुण तो गिनो मत ना, उसको क्या बोलना है, विचार ज्ञान अधिकरण की बात है, तीन ही मान रहे हैं आप वहाँ पर, सुख तो मानते ही नहीं विशेष गुण, जैसे जीव मानते सुखाधिकरण है द्वेषाधिकरण सब अधिकरण है ना, नौ विशेष गुणों का अधिकरण है वहाँ तो, या तो तीन ही विशेष गुण का अधिकरण आप मान रहे हो। फिर आनंदम तो ब्रह्म के लिए कहा, ईश्वर के लिए कहा गया है, वहाँ कैसे घटा रहे हो आनंदवान ईश्वर? तब कहते हैं जब ईश्वर के आनंदवान आ रहा है, सुखवान का आ रहा है, सुखाधिकरण करके आ रहा है, वहाँ सुख से सुख अपेक्षित नहीं है, फिर क्या है? दुखाभाव। आनंदोपि दुख का भव उपचर्यते, आनंद शब्द वास्तव में दुख का भाव में औपचारिक प्रयोग हो गया, आनंदम ब्रह्म इत्यादि। भाराद्य पग में सुखी समृत्व अहम इतिवत, जैसे भारादि का हटा देने पर व्यवहार क्या बोलते आदमी? सुखी हूँ, समृद्ध हो गया हूँ, हाँ समृद्ध हा, सम्यक वृत्त, शांत हो गया, शांत हो गया, दुख से छूट हो गया, वो भार के कारण से दुख था, भार के हटने से अपने आप को सुखी समझता है, शांत हो गया समझता है। मैंने दुख का भाव को सुख शब्द से कहा कि नहीं? लोक व्यवहार में भी पैसे दुख का भाव के आनंद शब्द से कह रहे हैं श्रुति। अस्तुवा तस्मिन आनंदो न तो सो आनंद, इसलिए उसमें आनंद भी मान लूंगा भले, अस्तुवा कह दिया, यदि हमारे मत में नहीं है फिर आप श्रुति का तरफ जोर देते हो, हम ईश्वर में नित्य आनंद भी मान लूंगा, नित्य ज्ञान नित्य प्रयत्न नित्य इच्छा और नित्य आनंद को भी हम उसमें मान लेंगे, लेकिन आनंद रूप कदापि नहीं मानेंगे। वैसे अस्तुवा तस्मिन मने ईश्वरे आनंदो न तो असो आनंद, लेकिन आनंद रूप नहीं है, असो मने ईश्वर न आनंद रूप, क्यों? असुखम इति श्रुते है, श्रुति करी असुखम, बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र में देगा आपके को अभी प्रकरण लाएगा, क्योंकि आप कहेंगे बहुरी समास करो फिर वहाँ न विद्यते सुखम यस्य इति कुतो न अर्थ, ऐसे बहुरी समास प्रकार क्यों नहीं लेना चाहते हो? न विद्यते सुखम यस्य माने जिस अधिकरण में सुख नहीं होता, क्यों? वो सुख रूप ही है, ये वेदांति लेना चाहता है, वेदांति समास करता है उसमें सुख नहीं है, क्यों? वो सुख रूप ही है। इसे असुखम का अर्थ बहुरी करेगा, न विदते सुखम यस्य वा यस्मिन वा, इति कुतो न अर्थ, ऐसा अर्थ क्यों ना लिया जाए? इचेत ना क्लिष्ट कल्पना तो आपत्ति है, क्लिष्ट कल्पना आपत्ति है, क्लिष्ट कल्पना है, इसमें गौरव नहीं बोल रहा, क्योंकि जो है लागव गौरव कन वो भी फंस जाएगा, लागव गौरव नहीं बोल सकता है वो, कि गौरव कहेगा वो हमारे लिए बहुरी समास गौरव है,
अन्य पदार्थ में लक्षणा करना पड़ रहा है। तुम लागव कह रहे हो, लागव के साथ कहोगे अंतर्वर्ती पदार्थ में ही लक्षणा हो रही है, लक्षणा तो दोनों को मानना पड़ेगा। वो अन्य पदार्थ में लक्षणा मारता मान रहा है, अवर्ती पदार्थ में मान रहे हो। पूर्व पद की लक्षणा की जाती है उत्तर पदार्थ में, नियम है उत्तर पदार्थ प्रधान हो तत्पुरुष। यदि आप नहीं तत्पुरुष मानोगे या न सुखम यदि असुखम, फिर क्या हो जाएगा? उत्तर पदार्थ प्रधान हो जाएगा, सुख प्रधान हो जाएगा। तो उसमें नए अर्थ कैसे घटाओगे? सुख का विरोधी लोगे, सुख का अत्यंत भाव लोगे, क्या लोगे? उसके लिए आपको पूर्व पद की लक्षणा करनी पड़ेगी, नए की लक्षणा। और नए का कितने अर्थ है? छह अर्थ है। उसे कौन सा अर्थ लोगे? उस अर्थ की एक शक्यार्थ आ गया, उसे लक्षणा करनी पड़ेगी उत्तर पदार्थ में। तार से सुख का अभाव कहना पड़ेगा, सुख विरोधी कहना पड़ेगा, सुख अल्प का छह अर्थ उसे कोई ना कोई लेनी पड़ेगी। तुम्हारे मत में तो गौरव है, हमें तो स्पष्ट अन्य पदार्थ प्रकरणानुसार ब्रह्म दिख रहा है हमको अन्य पदार्थ। इन सारे शब्दों को उसमें लक्षणा करनी है हमने, के लिए थोड़ी असुगम को, वहाँ कई शब्द है, सारे शब्दों को मैं ब्रह्म पर लक्षणा कर दूंगा। और तुम्हारे लिए क्या है, प्रत्येक शब्द में समस्या होगी, उत्तर पदार्थ के साथ लक्षणा करो, फिर वो जो समस्त अर्थ आया उसका सामनाधिकरण पर ब्रह्म करके, ये सब प्रथमांत है। असुगम ब्रह्म, निर्वणम ब्रह्म, निष्क्रियम ब्रह्म, ये सब सामनाधिकरण प्रयोग हुआ। वो सामनाधिकरण सिद्धि के लिए फिर लक्षणा करनी पड़ेगी। तुम्हारे तो डबल लक्षण हो रहा है गौरव, इसलिए गौरव लागव शब्द प्रयोग नहीं किया, बड़ा चालाक है, क्लिष्ट कल्पना है। हमारे यहाँ थोड़ी सी कल्पना तो हमारे मत में भी है, लेकिन थोड़ी है, ज़्यादा नहीं। कैसे करता है देखिए, वो आपके मत में क्लिष्ट कल्पना कह दिया, क्यों? प्रकरण विरोधात्, क्योंकि प्रकरण में विद्यमान सकल शब्दों में या तो बहुरी समास करना पड़ेगा आपको, सकल में आप कर नहीं सकते बहुरी समास, क्वचित में क्वचित में वो करोगे तो विनिगमना विरह हो जाएगा। इसे हमारे मत मान लो सर्वत्र हम एक जैसे कर देंगे, तत्पुरुष समास सभी में, या क्लिष्ट कल्पना। तुम्हारे क्लिष्ट कल्पना क्यों है? हेतु क्या दिया? प्रकरण विरोधात्, प्रकरण के साथ विरोध होगा। हमारे यहाँ क्लिष्ट कल्पना है क्योंकि सकल शब्दों में एक ही प्रकरणानुसार है ना, एक ही समास मानूंगा। तुम्हें कहीं पर बहुरी करना पड़ेगा, कहीं पर तत्पुरुष करना पड़ेगा, कहीं कर्मधारय लेने पड़ जाएंगे, तुम्हारे लिए समस्या ही समस्या है। इन्हें यही कह रहा है, एक ही श्रुति, एक ही मंत्र के अंतर्गत बृहदारण्यक परिषद का है। अशरीरम अस्तुलम है ना, इत्यादि है उसमें आया, अशरीरम अस्तुलम अगंध इत्यादि लेकर के असुखम करके अंत में आया, पूरे एक ही मंत्र बृहदारण्यक लंबा है। आनंदम इत्यत्र मत्वर्ती अच प्रत्यय विरोधाच, और जो पूर्व में हमने सिद्ध किया है जो आनंदम में मत्वर्ती अच प्रत्यय उसके साथ विरोध भी हो जाएगा, इसलिए भी यह तत्पर समास मान लेना ही ठीक है। इति संक्षेप वेदांत खंडन नित्य विज्ञान का खंडन में संक्षेप में विचार समाप्त होता है। ठीक है, तदेव आत्मात्र से विज्ञान स्वरूपत्व निरस्य, आत्मात्र को विज्ञान स्वरूप का खंडन कर दिया, मैंने जीवात्मा परमात्मा दोनों के लिए सामान्य रूपेण आत्मा आनंद रूप नहीं है सिद्ध कर दिया, विज्ञान रूप नहीं है सिद्ध कर दिया। और अब परमेश्वर से विज्ञान मात्र स्वरूपत्वात्मकम द्वितीयम पक्ष में भी दूषयति, परमेश्वर को केवल मान लिया जाए विज्ञान मात्र रूप है, उसका भी खंडन करने के लिए सुख रूपता खंडन द्वारा विज्ञान रूपता का भी खंडन करता है। अपिना जीवो यथा न ज्ञान सुखात्मा तथा परमेश्वरोपि न ज्ञान सुखात्मा, ऐसे घटाएंगे अपि के कारण से। जीव जिस प्रकार ज्ञान सुखात्मा नहीं हो सका, उसी प्रकार परमेश्वर में ज्ञान सुखात्मा नहीं हो सकता। ज्ञान सुखंच आत्मा स्वरूपम यस्य इत्यर्थ, ज्ञान सुखात्मा मतलब क्या? ज्ञान और सुखी है आत्मा का स्वरूप है जो, ऐसे को कहते ज्ञान सुखात्मा। यह आत्मशब्द का अर्थ है स्वरूपम, ज्ञान सुखात्मा में जो आत्मशब्द है उसका अर्थ स्वरूप, ज्ञान स्वरूपम सुख स्वरूपम न, ऐसा अर्थ हो जाएगा। तरी कीदृश इतता किंतु इति ज्ञान सुखादिनाम समवायेन आश्रय इत्यर्थ अधिकरणम इत्यर्थ। तरी नित्यम विज्ञान आनंदम ब्रह्म इति ब्रह्मणो विज्ञानाद्यभिन्न प्रतिपादक श्रुति विरोध इत्यता, सामनाधिकरण प्रयोग हुआ है, सामनाधिकरण प्रयोग का अर्थ क्या है? समानार्थकत्वम है, समान विभक्तिगत्वम समानाधिकरणत्व, समानार्थकत्व व समानाधिकरणत्व, ये व्याकरण के अनुसार नियम है।
और यहाँ समानार्थक ले लो, अतिव समान विभक्ति भी, दोनों तरह के समानाधिकरण यहाँ पर है, इसका भी उल्लंघन हो जाएगा यदि अधिकरण पर ले को तो। नित्यम इति न्याय मते श्रुतेर अयम अर्थ कथे तथा नित्यम इत्यादि से न्याय मत में श्रुति का हम यह अर्थ करेंगे। नित्यम मैंने प्राग भाव ध्वंसा भाव का अप्रतियोगित्व मैंने अप्रतियोगितावत अप्रतियोगिता वाला है। विज्ञानम के समवायन नित्य ज्ञानाधिकरणम और विज्ञानम का अर्थ करूंगा समवायन नित्य ज्ञान का अधिकरणो और आनंदम का दुखत्तावच्छिन्न अभावद दुखत्तावच्छिन्न अभाव वाला ऐसा जो वस्तु वो परम ब्रह्म बोध्याम ऐसे उस पर ब्रह्म को जानना चाहिए। ये न्याय मत के अनुसार इस मंत्र का अर्थ होगा। विज्ञान पदेन इत्यादि उसने कहा विज्ञानम अस्मिन्न स्थिति विज्ञानम ये है व्युत्पत्ति विपसृष्ट ज्ञादातो वि रूपी उपसर्ग से संबद्ध ज्ञादातो व्युपसृष्ट वि हो गया उससे उपसृष्ट मैंने वीत्युपसर्गेण युक्तम इति विपसृष्टम कौन है वो ज्ञादातो इसलिए विज्ञा बना। करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रेण अधिकरणार्थक लुट प्रत्यांतम पदम अधिकरणार्थक लुट प्रत्यय करके विज्ञानम बना है। तादृश श्रुति घटक विज्ञान पदस्य स्वार्थक लुडंतत्वे बालिका मंडूक श्रुतिम उपन्यस्यति और तादृश श्रुति का घटकीभूत विज्ञान पद में वह स्वार्थ लुडंत है अधिकरणार्थक लुडंत नहीं है ऐसे वेदांती कहना चाहता है तक दे ऐसा कहोगे मुंडक श्रुति सद्विरोध हो जाएगा। मुंडक सर्वज्ञ बोला ज्ञा कर दिया होता है ज्ञानवान जब ईश्वर को सर्वज्ञ कह दिया है या उसके अनुसार या विज्ञानम का भी अर्थ बदलना पड़ेगा ना विज्ञानवान कहना पड़ेगा। इसे बाद का मुंडक श्रुति को उपन्यास कर दिया यह सर्वज्ञ सर्वज्ञ विद मैंने धातुअर्थ विशेष रूपेण ज्ञानम विद धातुअर्थ का अर्थ होता है विशेष रूपेण ज्ञान और ज्ञान धातुअर्थ होता है सामान्य रूपेण ज्ञान मैंने सर्वज्ञ मैंने सामान्य रूपेण सबको जानता है और सर्वित का अर्थ है विशेष रूपेण सबको जानने वाला ये अर्थ निकलेगा। तथा च यत्तत्पदे व्यत्यस्य यत्तत्पदों का व्यत्यास करके यो यद विषय विशेष ज्ञानवान स तद विषय सामान्य ज्ञान इति फलित्वार्थ जो जिस विषय विशेष ज्ञान वाला होगा वह निश्चित रूपेण तद विषय सामान्य ज्ञान वाला जरूर होगा ऐसे अर्थ करेंगे। अतो न पुनरुक्तता इसे पुनरुक्ति दोष नहीं है मूल में ना यह सर्वज्ञ सर्वित मंत्र में ना यह स है ना उसको उल्टा कर लो यह सर्वित स सर्वज्ञ ऐसा कर दो यह को सर्वित से जोड़ो जो सकल वस्तुओं के विशेष ज्ञान वाला है स सर्वज्ञ अब पीछे ले जाओ उसको स वह व्यक्ति जिसे सकल विषयों के सामान्य ज्ञान वाला है यह करें और तत्शब्दों के जो रूप प्रयोग हुआ है मंत्र में यह सा उसको उल्टा करके अन्वय करना ये करें। अतो न पुनरुक्तता आदि ना और भी मंत्र इस प्रकार के हमारे पास यस्य ज्ञानमयम तप देखो यस्य बोल देना ज्ञानमयम मेट प्रत्यय प्रयोग यह भी अधिकरण अर्थ मेट प्रत्यय है इत्यादि ग्रहण यस्य परमात्मना तपमने तेज परम परमत्वात्मकम उत्कृष्टता इति यावत जिस परमात्मा के तेज जो है उत्कृष्ट रूप है ज्ञानमयम प्रचुरार्थे मेट अधिकरणार्थ नहीं लिया प्रचुर अर्थ में मेट ले रहा है नित्य ज्ञान सुखादि प्राचुर्यात्मिका नित्य ज्ञान सुखादि प्रचुर जिसमें ऐसा अर्थ चला जाएगा अधिकरण अर्थ में पहुंच गया इत्यर्थ। तथा च नित्यम विज्ञान मित्य श्रुतौ नित्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इस श्रुति में विज्ञान पदस्य स्वार्थ लुडंतत्व यह सर्वगित्य श्रुति विरोधापत्या अधिकरणार्थ का लुडंतत्व अवश्यम अंगीकार्यम इति भाव एवं आनंद इति इसी प्रकार आनंद में भी समझो एवं आनंद में वैसे समझना पड़ेगा इत्यस्यापि आनंदवत् इत्यर्थ कहा था मूल में इत्यस्यापि अर्श आदिभ्यो अच् इति सूत्रेण मतुवर्तक अच् प्रत्यय निष्पन्नम इदम नपुंसकलिंगम आनंद पदम आनंदो अस्य स्थिति व्युत्पत्तेः तथा च आनंदम इत्यस्यापि आनंदवत् इत्यर्थ बोध्यः अन्यथा आनंद इत्यर्थकत्व भावे सुखार्थ आनंद शब्दस्य स्याद आनंद थुरानंद इति कोशेन थुरानंद कहाँ से आ गया
पुल्लिंगत्व नियमेन मत्वर्ती अच प्रत्यांतत्व विना नपुंसकत्व अनुपत्ति पुल्लिंगत्व आपत्तिश्च स्यादिति भाव। किसी कोश है इन सबको पुल्लिंग बताना चाहता है, यह होना सुरानंद होता ज्यादा ठीक था। स्याद आनंद सुरानंद, आनंद सुरानंद पुलिंग, आनंद सुरानंद ऐसे पुलिंग हो जाएगा। नहीं दंत सका सुरों का देवताओं का देवानंद, अनेक आनंद है ना, मनुष्यानंद देवानंद इत्यादि सब पुलिंग है। नानु न्याय मते परमेश्वरे आनंदात्मक गुणाभावाद आनंद वत्तम अपसिद्धांत इतः। लेकिन न्याय मत में परमेश्वर में आनंदात्मक गुण तो है नहीं तुम्हारे मत में, तो आनंद वत्व घटाना अपसिद्धांत हो जाएगा। इत्यतः तब का आनंदोपी दुखा भावे उपचर्यते कह दिया। ये आनंदवान हम नहीं करे, सुखवान नहीं करे, दुखा भाववान इसका अर्थ हो जाएगा, औपचारिक प्रयोग है आनंद। दुखा भाव प्रवृत्ति निमित्त कृत्य, दुखा भाव को ही आनंद पद का प्रवृत्ति निमित्त माना, सुखत्व को नहीं आनंदत्व को नहीं प्रवृत्ति निमित्त मान रहा, कि दुखा भाव को आनंद शब्द की प्रवृत्ति निमित्त मान लिया। लक्षण या आनंद शब्द प्रयुक्त है, आनंदम के अर्थ हो जाएगा दुखा भाववान इत्यर्थ। तो दृष्टान्तम इस दृष्टान्त क्या लौकिक दृष्टान्त दे दिया, भारे दी भार शून्य न जने न भार वहनोत्तर भार अपगमे सत्य। भार को शून्य था व्यक्ति, लेकिन वह भार का वहन किया, वहन के उत्तर काल में जैसे भार अपगम हो जाता है, पूर्व स्थिति में प्राप्त न पूर्व स्थिति को प्राप्त करने पर यथा सुखी समृतो अस्मि अहम इति मन्यते, सुखी हूँ समृद्ध हूँ इस प्रकार से मानता है। न तो पूर्वतो अधिकम सुखम अनुभूयते इति बात, लेकिन पूर्वतः कोई अधिक सुखाधिक अनुभव नहीं कर रहा है, वैसे के वैसे वापस लौटा हुआ है। दुखा भावेन सुखित्व प्रत्याद इत्यधिक पाठ, कुछ अधिक पाठ जोड़ दिए, दुखा भाव से सुखित्व का ज्ञान कर लेता है। ननु तर्री घटादावपि आनंद शब्द से प्रयोग आपत्ति, फिर घटादि में भी आनंद शब्द प्रयोग होने लग जाएगा कि भाई दुखा भाव है ना, तो वो भी तब का ऐसा नहीं है। लक्षणा कल्पनंच गौरवम इतता अस्तु वाइति, इसे लक्षणा करना आनंद शब्द का दुखा भाव में लक्षणा करना गौरव है। इस गौरव से बचकर क्या कहेगा, ठीक है फिर हमारे मत में न्याय मत में ईश्वर में आनंद को भी मान लेंगे, नित्य आनंद मान लूंगा, क्या आपत्ति है। तीन नित्य गुण मान ही रहे, चौथा नित्य गुण मानने में कोई दोष रहे, कोई दोष नहीं है। दोष तब होना उससे कहीं हानि हो, तत्व में हानि हो जाए तब दोष माना जाता है। इतिदा अस्तुवादी वेदांत श्रुते विशिष्टाद्वैत मतानुसारेण अर्थम उपगम्य नैयायिकस्तदर्थम दर्शयति तस्मिन् आनंदे इति, अस्तुवा तस्मिन् आनंदो न तोऽसौ आनंद रूपा, ये कहा था। अभी किस आधार पर लिया उसने, वो ले लिया विशिष्टाद्वैत के आधार पर ले लिया, विशिष्टाद्वैत मत के अनुसारण करते हुए वहाँ भी आनंद को स्वीकार कर लेता आनंदाधिकरण मानने के लिए। परमात्मनि नित्य ज्ञानम इव नित्य सुखम अपि भवतु, तू मने किंतु असौ परमात्मा न आनंद पदार्थ, वह आनंद रूप नहीं है, ये तो पक्का है। सत आनंद भिन्न एवं मंतव्य, आनंद से भिन्न आनंदवान वो द्रव्य है, आनंद गुण है, ये समझना चाहिए। तथा श्रुति प्रमाणम वा, इस विशेष श्रुति प्रमाण दे रहा है असुगमिति न असुगमिति नैत पुरुषाश्रयण नय पदम परमेश्वर सकाशात सुखस्य भेदम बोधयति। नय तत्प्रसमास के द्वारा यहाँ पर जो है नय पद परमेश्वर की से वह सुख को भिन्न सिद्ध करता है, भेद अर्थ में लूंगा नय को वहाँ पर, सुख भिन्नो आत्मा इति असुखम, परमेश्वर को अवधि बना करके कहीं किससे किससे भेद सिद्ध करने का सकाशात अवधि के लिए हमेशा होता है, अमुक से कहने के लिए सकाशात संस्कृत प्रयोग होता है, परमेश्वर से आनंद को अलग करने के लिए ही यह नैत प्रसमास किया गया है। तथा च सुख भिन्न सुखाधिकरण, देखो स्पष्ट कर दिया ना, सुखम का अर्थ हो गया सुख भिन्न, सुख भिन्न का मतलब क्या फिर और स्पष्ट सुखाधिकरण कह, ऐसा कर दो। परमात्मा इतिहास वेदांत संगते न विद्यते इत्यादि यत संवेदतया सुखम अप्रसिद्धम इति विग्रहवाक्यार्थ, असुखम न विद्यते सुखम कर दिया है, यत संवेदतया सुखम अप्रसिद्धम, यह अर्थ हो जाए बौवरी समास से। तथा च ईश्वर
सुखवान इत्यर्थ अप्रसिद्ध अतः सुखमेव ईश्वर इत्यर्थस्य सम्यक यह सम्यक है ये वेदांत शंका करते हैं। उक्त रीत्या विग्रह वाक्यार्थ कुतो न क्रियते, उक्त रीति से विग्रह वाक्यार्थ को आप क्यों नहीं स्वीकार करते हो इत्याशय वेदांति का। तो नैयायिक समाधत्त प्रकरण विरोधात क्लिष्ट कल्पनापत्ते है। निरुक्ते अन्य पदार्थ प्रधान है बहुव्रीय, निरुक्त अन्य पदार्थ जो प्रधान है ऐसे ही बहुव्रीय समास करने में अन्य पदार्थ नयो लक्षण आत्मिकाया कल्पनाया आपत्ते, अन्य पदार्थ में नए पद का लक्षणारूपी कल्पना अधिक आपको करनी पड़ेगी। न तत्प्रशेतु नायम दोष, न त्वच करने में अन्य पदार्थ में मुझे लक्षणा नहीं करनी पड़ती है, वर्ती पदार्थ में मुझे लक्षणा करनी पड़ती है, ये लाघव है इति भाव। फिर अब कहेगा गौरव लाघव लाना नहीं, ये लाया ना इन टीकाकार ने स्वयं आगे देंगे, ये गौरव लाघव दोष होता है इसलिए उसका हट के कल्पना आपत्य कह दिया। नैतत्पुरुषे भी देखो नैत उसमें वेदांति कहेगा वहाँ भी तो लक्षण तो है ही, फिर भी चाहे वर्ती पदार्थ अन्य पदार्थ फर्क क्या पड़ना है। नैतत्पुरुषे भी असुख पद ब्रह्म पद और एक धर्मी बोधगत रूपम, असुखम ब्रह्म है ना साम्राज्य में प्रयोग हुआ, अरे एक पदार्थ अवबोधक है वो तो, असुखम के अंदर जो पदार्थ बोध हो रहा है वही ब्रह्म आपको कहना पड़ेगा। एक धर्मी बोधगत रूपम साम्राज्य करने अनुभव सिद्धम, अन्यथा असुख पद ब्रह्म पद यो हो समान वचनत्व अनुपद्य है, दोनों के समान विभक्ति वचन करना अनुपन्न हो जाता है। तथा च सामानाधिकरण निर्वाहार्थम सामान्यधिकरण निर्वाह करने के लिए नया अभावती लक्षणा आवश्यक, नए के अभाव वाले में लक्षण करना आवश्यक हो जाता है। अच्छा समाना तत्पुरुष पक्ष भी नैयायिक से क्लिष्ट कल्पना, इसे नैयायिक पक्ष में भी क्लिष्ट कल्पना बराबर टिकता है। अतो अन्य पद प्रदान प्रदानो भौरी रेव साधो, अन्य पदार्थ प्रदान भौरी करना ही उचित होता है इत्यतः प्रकरणेति, प्रकरण विरोध हो जाएगा। क्या प्रकरण है भाई, शरीर और गत कुछ मंत्र आया फिर अस्तोलम फिर कुछ होने के बाद असुखमिति बारहदारण्यक शरीर भेदाद्यर्थ दर्शक श्रुति घटक असुख शब्द से अशरीरम कर दिया शरीर भिन्नम, अस्तोलम मने स्थूल शरीर भिन्नम, ये कह रहे हैं आप इस असुखम का भी अर्थ क्या होगा, सुख भिन्नम भी अर्थ लेंगे। अन्य पद सबका जैसा अर्थ ले रहे हो वैसे यहाँ पर भी आपको लेना पड़ेगा। असुख शब्द से सुखाभावद अर्थकत्व संभवाद तत्र वाक्य सर्वत्र नैतत्पुरुषेवाश्रित शरभेदाद्यर्थक दर्शक श्रुति घटक असुख शब्द के अंदर सुखाभावद अर्थकत्व लेना संभव नहीं है, जिस वर्ता दुखाभाव सुखाभाव कोई भी ले नहीं सकते, जिन्हें लेना क्या पड़ेगा सुख भिन्नम अर्थ लेना पड़ेगा। सर्वत्र नैतपुर तत्पुरुषम एव आश्रित समान प्रवाह पतित, एक ही प्रवाह में आया ना अशरीरम अस्थूलम असूक्ष्म इत्यादि अनणु इत्यादि वहाँ पर जितने भी पद है उसे एक प्रवाह में पतित हो असुख पद को भी प्रकरणे न स एव आश्रय, प्रकरण के द्वारा वहाँ पर क्या करना पड़ेगा भेदी आश्रय करना पड़ेगा, नैतपुर तत्पुरुष को आश्रय करना पड़ेगा, बहुरी आश्रय नहीं कर सकते न तो बहुरी रीति भाव। विरोधांतरम एक और विरोध भी है आनंदम इत्यत्रेति सुखार्थक आनंद शब्द से पुलिंगत्व नियमेन मध्यवर्ती अच प्रत्यांतत्व मंत्रेण नपुंसकत्वपत्या, और सुखार्थक जो आनंद शब्द है वह पुल्लिंग का ही होता है, नियम है व्याकरण के अनुसार। अतः मध्यवर्ती अच प्रत्यय की नहीं किए बिना नपुंसकत्व उपपन्न नहीं है, अतएव आनंद में शब्द से असाधुत्व आपत्ति है, आनंदम यह प्रयोग करना वेद फिर असाधु हो जाएगा यह आपत्ति है। अपिच आनंदम ब्रह्मण विद्वान विभेद कुतश्चन इति श्रुत्या ब्रह्मण आनंदस्य च भेद स्पष्ट एव आमनातः, ब्रह्मणो आनंदम बोल दिया ना षष्ठी वहाँ प्रसिद्ध है ब्रह्मण आनंदम, ब्रह्म का आनंद स्पष्ट है वेद षष्ठी के कारण से, वेदांत जवाब देता राहु शर के समय भेद में भी प्रयोग हो जाता है भेद व्यवहार, राहु शर भेद है क्या वहाँ पर नहीं है फिर भी षष्ठी प्रयोग हो गया, ये सब समाधान दे दिया गया है वैसे वो अपनी बात कह रहे हैं। इति न विभेद कुश्चन इति श्रुत्या ब्रह्मण आनंद से जब भेद स्पष्ट एवं आमनात् स्पष्ट पढ़ा गया है, स्वयं गुण गुणिनोर भेदवादी नाम
न्याय का नाम मत है वो उपपद्यते, और वह इस प्रकार का भेद कथन जो है गुण गुणी का भेद मानने वाले हम न्यायिकों के मत के अनुकूल होने पर ही उपपन्न होता है। न तो अभेदवाद वेदांत मत इतिहासन इति संक्षेप भेद प्रतिपाद श्रुतीनाम बाहुल्य अपनी युक्तिनाम बहुत्वे भी संक्षेप क्यों का करे देखो, भेद प्रतिपादक तो अनेकों श्रुतियाँ हैं हमारे पास और युक्तियों की भी कोई कमी नहीं, लेकिन हमने केवल नमूना मात्र थोड़ा सा चार पंक्तियों बात खत्म कर दी, नहीं तो पुस्तक लिखा जा सकता है इसके ऊपर। इतना हमारे पास श्रुति भी है, युक्तियाँ भी है, लिखा भी तार्किक कौन है, खंडन लिखा गया उसके ऊपर। फिर द्वैत संप्रदाय वाले इकट्ठा किया था ना, व्यास तीर्थ करके थे द्वैत संप्रदाय वाले, न्याय अमृत लिखा उन्होंने, युक्तियों का अमृत दे दिया हमने अद्वैत खंडन में। और अद्वैत के उनके समय तक जो प्रसिद्ध ग्रंथ हुए आचार्य शंकर से पहले से लेकर आचार्य शंकर के बाद के जितने भी लोग हुए हैं, बड़े बड़े आचार्यों के ग्रंथ जो लिखे थे, उन सब का ले लेकर के उन्होंने खंडन कर लिया। इसे न्यायमृत पढ़ने से व्यास तीर्थ के जमाने तक के जितने बड़े बड़े विद्वान हुए वेदांती, सब का ग्रंथ उसमें आ जाता है। उन्होंने ऐसे कहा तुम्हारे सुरेश्वरचर से वो ऐसे वो वैसे हुए, सब का नाम लेते, सैकड़ों नाम लिया, कई लोगों के पुस्तक उठाया और खूब अद्वैत का खंडन किया। तब मधु सरस्वती उस पर अद्वैत सिद्धि लिखे, न्यायामृत अद्वैत सिद्धि इसलिए कहा जाता है उसको, वहाँ पर पूरा खंडन कर दिया, अद्वैत सिद्ध कर दिया। जिन युक्तियों को देखकर उन्होंने द्वैत सिद्ध किया और सारी युक्तियों खत्म करके अद्वैत सिद्ध कर दिया। जिन जिन श्रुतियों का अर्थ जो अर्थ ले रही है जैसे बता रहा है वो श्रुति अर्थ गलत है, ऐसा अर्थ नहीं ले सकते, वह साबित किया, युक्तियाँ दे देकर खंडन श्रुतियों के भी तात्पर्य निश्चय कर दिया। वहाँ उसके बाद खंडन भी कई चलता रहा। कई नद्वैत सिद्ध नौ टीकाएं हैं, इन्होंने किया द्वैतियों ने, फिर वेदांती, फिर वैद्वैती, फिर वेदांत, फिर द्वैती, फिर वे नौ बार हुआ। नौवें में जा करके गौड़ ब्रह्मानंदी चंद्रिका टीका लिखे, बृहत चंद्रिका, उसकी लघु चंद्रिका छप दी, वो भी पढ़ने वाले की हिम्मत नहीं होती आजकल, इतनी टफ है, ऐसा अवच्छेद का अवच्छिन्न घुसेड़ दिया उसके अंदर, दिमाग फ्यूज हो जाए पढ़ने वाले, कोई द्वैतवाद की हिम्मत नहीं उसके बाद उसकी वो खंडन लिख सके। इसे बहुत व्यापी संक्षेपाद वेदांत विद खंडनम अवसेयम इति हृदय, अद्वैत वेदांति का मत क्या है वो बता रहे संग्रह करके। सतो ब्रह्मण असन्मिथ्यात्मकम इदम जगत विवृतम जायते, सत ब्रह्म से असत मिथ्यात्मक जगत विवर्त होकर के उत्पन्न होता है, विवर्तवादी हैं। सदैव स्वमिदम अग्र आसित नित्यम ज्ञानंदम ब्रह्म सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म इति श्रुति प्रमाणकम संसार प्राक समये परम ब्रह्मैव व्यापकम नित्य विज्ञानात्मकम आसीत तच्च सदासीत, ये कह दिया। इन श्रुतियों के आधार पर संसार से पहले के समय में एकमेव द्वितीय पर ब्रह्म ही था, वही व्यापक था, नित्य विज्ञान रूप ही था वो, तच्च सदासीत, वह सद था सृष्टि समय च, और सृष्टि समय क्या हुआ, स इच्छत वो श्याम प्रजा यय स इच्छान चक्रे इत्यादि भगवता ब्रह्मणा बहुरूपेण भवितुम अभिलषितम, भगवत ब्रह्म के द्वारा अपने माया के सहयोग से बहुत होने की अभिलाषा की गई। ततो मायायाम ब्रह्मण प्रतिबिंबम अवतरितम, उससे क्या हुआ, माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ गया। तच्च ब्रह्म निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम निराकारम अकर्तृच, ऐसा वह यह जो ब्रह्म है निष्कल है निष्क्रिय है शांत है निरवध्य है निरंजन है निराकार है अकर्ता है, यच्च कर्तृ, और जो कर्ता वो कैसा है, तत्सधर्मगम यत्सधर्मगम तन्नश्वरम इति व्याप्त्या, इस व्याप्ति जो करता है नश्वर सिद्ध हो गया, इति व्याप्त्या। ब्रह्म भिन्नम सधर्मकम जगत कारणम गम्यते, ब्रह्म भिन्न सधर्मक कोई वस्तु जगत कारण मालूम होता है, घटपटाध्यात्मकम जगत माइकम, इसलिए घटपटादि जगत को माया रूपी कारण से उत्पन्न मानेंगे, माइकम नश्वरम तस्य कारणेनापि तथैव भवितव्यम, उस कारण के द्वारा वैसे ही उसे स्वीकार करना होगा। अतएव जगत कारणम अज्ञानम सिद्धम, जगत कारण कौन हो जाएगा, अज्ञान होगा, वास्तव ब्रह्म नहीं है, अधिष्ठान दृष्टिया कह दिया जाता है उसको अभिन्न निमित्तोपान कारण करके।
तच्च अहम अज्ञा इत्यनुभव सिद्धम, और अज्ञान भी अहम अज्ञा से अनुभव सिद्ध है। तदेव माया अविद्या चित्युच्यते, उसी अज्ञान को माया और अविद्या शब्द से कहा गया। माया समष्टि को उपाधि, अविद्या व्यष्टि जीव को उपाधि हो जाता है। साच विचित्र परिणाम स्वभाव, विचित्र परिणाम स्वभाव वाली होती है दोनों के दोनों। अतो जगत भी विचित्र स्वभाव समवलोक्यते, जगत को भी विचित्र स्वभाव वाला हम देखते हैं। अज्ञानं तो शुद्ध सत्य प्रदानम माया, और अज्ञान क्या है? शुद्ध सत्य प्रदान माया है। मलिन सत्य प्रदानम अविद्या, वही अज्ञान क्या हो जाता है? शुद्ध सत्य प्रदान हो तब माया नाम पड़ा, और मलिन सत्य प्रदान हो जाए तो अविद्या नाम पड़ गया। यथा जलादो सूर्य प्रतिबिंबानी भवन्ति, तथा मायाम गतानी ब्रह्म प्रतिबिंबानी ईश्वर इति प्रथन्ते। ये जलादि में सूर्य प्रतिबिंब पड़ता है, उनमें माया में जो प्रतिबिंब पड़ा ब्रह्म प्रतिबिंब, उसको ईश्वर कहा जाता है। और अविद्या गतानी ब्रह्म प्रतिबिंबानी, अविद्या में पड़ा ब्रह्म के प्रतिबिंब को जीवा इति प्रथन्ते, जीव कहा जाता है। इसे तो वहाँ पर वो आकाश दिया ना अपने बादल, बादल में प्रतिबिंब पड़ा, यहाँ जल में भी घटावचिन जल में प्रतिबिंब पड़ा, और बादलोचिन जल में भी प्रतिबिंब पड़ता है, दोनों प्रतिबिंब पड़ रहा है। दोनों वही कहा आकाश के अंदर, दोनों फिर आकाश का प्रतिबिंब भी पड़ रहा है। इसी प्रकार ब्रह्म कहाँ है? ब्रह्म में ही है माया, ब्रह्म है माया है ब्रह्म में, अविद्या भी है ब्रह्म में, उसके अंदर होते हुए भी उस ब्रह्म का प्रतिबिंब माया और अविद्या पड़ जाएगा। इसके लिए दृष्टांत के समझाया था, ब्रह्मणो माया अविद्या संबंधे न ईश्वर जीव इति व्यवहार, से ब्रह्म का माया के साथ संबंध के लिए ईश्वर और अविद्या संबंध के लिए करके जीव व्यवहार हो जाता है। यथा रज्जो सर्पा भाषा तथा ब्रह्मणि जीवाद्यो भाषा, स्पष्ट हो गया। अतएव वाचरण विकार नाम निमित्त श्रुति ईश्वपि विकारो घटादिवाच्य आरभ्य दे, इसे वाचरण विकार नाम निमित्यादि श्रुतियों में भी विकार से घटादि को वाच्य घटादिर वाचा आरभ्य दे, शब्द मात्र से नाम मात्र लिए आरंभ हुआ है, वास्तव में है नहीं, न तो वस्तु सत, वस्तु सत है नहीं। इत्युक्तम मायिकत्वेन जगत मिथ्याभूत ब्रह्मणि भासते, मायिक होने के नाते जगत मिथ्याभूत होकर ब्रह्म में भाषित होता है। अविद्याश्च विचित्र प्रभाव भावानाम शक्त्यात्मकानाम सर्वदा सत्वात, जो अविद्या कैसी है लेकिन विचित्र प्रभाव और स्वभाव वाला होने से, शक्त्यात्मक होने के कारण से भी सर्वदा विद्यमान रह करके तैर्भावैर्भावितं ब्रह्म, उन्हीं भावों से भावित ब्रह्म विवृतम सत विवृत होकर के निखिल जगत का उपादानम भवति, उपादान कहा जाता है। उपादानं तो इसलिए क्या होगा? जगत अध्यास अधिष्ठानम, यह लक्षण, यानी कि माया जो समय संबंध देता है संबंध से अवच्छिन्न, वो सब नहीं, जगत के अध्यास का अधिष्ठान में उपादानत्व इस वेदांत मत में। सृष्टि क्रमेण मनोबुद्धि अहंकार चित्तात्मक अंतकरण स्वरूपम इंद्रियात्मक तन्मात्रक पृथ्व्याद्यात्मक भवती, सृष्टिक्रम से ये सारी चीजें उत्पन्न होते हैं। तथा जगतो मिथ्यात्व अवगछन मिथ्यात्व जानता हुआ ब्रह्मोपासनया सर्वत्र भेदेन ब्रह्म दृष्टिया च, सर्वत्र भेदपूर्वक ब्रह्म दृष्टि करने से सर्वं खलिदं ब्रह्म नेह नानासि किंचन इत्या श्रुति भी, केवल ब्रह्म भावना, केवल ब्रह्म भावना करने से चित्त शुद्धौ सत्याम, चित्त की शुद्धि होने पर अद्वैत स्पूर्ण स्पूर्णया, अद्वैत का स्पूर्ण होने से अविद्या निवृत्या ब्रह्म भवति इति मोक्षः इति अद्वैती मतम, यह अद्वैत मत है। अब सांख्य मत को लेकर खंडन आरंभ करेंगे। ये तेरा प्रकृति कर्तृ पुरुषस्तो पुष्कर पलाशवत निर्लेप किंतु चेतन कह दिया। प्रकृति क्या है? कर्तृ है, पुरुष में कर्तृत्व है नहीं, खत्म कर दिया। और पुष्कर पलाश के समान पुरुष कैसा? इसलिए निर्लिप्त है, प्रकृति के क्रियाकलाप से प्रकृति से भी कोई संबंध वास्तविक है नहीं, किंतु कैसा है? चेतन है वो, कार्य कारण योर भेदात कार्य नाश सती कार्य रूपतया तन्नाशोपि स्याद इति अकारणत्वं तस्य। हमारे नियम क्या है? कार्य कारण अभेद होता है, इसे कार्य नाश होने पर क्या होगा? कार्य रूपेण उस कारण का भी नाश मानना पड़ जाएगा। इसलिए पुरुष को यदि जगत कारण मान लोगे पुरुष भी नष्ट होने लग जाएगा, इसलिए हम पुरुष में क्या मानता हूँ? अकारणत्वं तस्य।